और सुनाओ जी अंकल जी ते आंटी जी, कुड़ियों तो मुंडियों भैनों तो भराओ, क्या हाल चाल है। तो हम जा रहे थे यूनिवर्सिटी, तो सोचा रिकॉर्डिंग ही आज करते जाएँ। मोबाइल अच्छा आ गया ना हुन, तो फिर दिल करता है यार कैमरा ऑन करिए, ऐवें ही दिल करता है बदो बदी। एंड्रॉयड से बंदे ने आईफोन पे स्विच किया हो ना, तो बंदा ऐवें शोखा हुआ फिरता है, पता है। फिर वीडियो तो बनाना हमारे पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है। यहाँ पर पता नहीं लोग वीडियोस क्यों नहीं बनाते, पागल हैं। लेकिन ना बेसिकली वीडियोस बनाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं ना रिकॉर्ड करना चाहती हूँ कि यहाँ की जो सी खूबसूरती है ना, वो मैं एक दफ़ा मोबाइल में हथियार लूँ। क्या पता होता है ज़िंदगी का कब आज रहे कल रहे, लेकिन मेरे जैसे मोबाइल पहले ख़राब हुआ ना, तो सारी की सारी जो सी रिकॉर्डिंग्स थी, सारी मेमोरीज थी, वो डिलीट हो गई हैं। और मैंने इसलिए यूट्यूब बना रही हूँ कि सारा कुछ ना बस यूट्यूब पे लगा दूँ। क्या पता होता है मोबाइल कब ख़राब हो जाए मेरे जैसा बंदे का। तो मैंने जाना था यूनिवर्सिटी के लिए हमें चाहिए थी बस। गाड़ी वाला हमारा सीन ख़त्म हो गया हुआ है। बस हमने लेनी है यहाँ से तकरीबन 10 मिनट दूरी पे, हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल है सेंट जॉन्स, उसकी पार्किंग से, वहाँ से हमें डायरेक्ट बस मिल जाती है यूनिवर्सिटी की पार्किंग तक की। तो जी हम चले जा रहे थे, हमने सोचा चलो भाई आप लोगों के साथ गपशप करते जाएँ। और हम रवां दवा हैं। ये जी हमारे एरिया का एंडा आ गया। इसके बाद हाथ मेरे फ्रीज़ हो रहे थे, मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। आगे 5 मिनट का सफ़र था, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा ना भगा भगा के, मैंने कहा यार क्या सानू को तरा फरा के सांस मेरी फूली पड़ी थी। आयरन की कमी पाकिस्तानी हर बंदे को होती है, तो साह सानू हा करके आ रहा होता। सो मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को वो वाली गंदी वाली आवाज़ें सुने, दैट्स वाई फिर मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये घर से हम लोग निकले हैं, तो हम जाते थे वहाँ से लंबा चौड़ा रास्ता लेके। लेकिन ये मेरे हस्बैंड साहब ने कोई नई बीच में से जुगाड़ निकाली थी, कहते यहाँ से ना एक शॉर्टकट है, वहाँ से चल जाओ, हाईवे क्रॉस करना पड़ता है। और हाईवे क्रॉस करने से ना मुझे मौत पड़ती है, मुझे हाईवे क्या मुझे गली क्रॉस करने से मौत पड़ जाती है। बाबा मेरे से नहीं होती है, ऐसे फोबिया ना पता नहीं है। मैं नहीं चाहती कि यार बंदा रोड क्रॉस करता हुआ गड्डी बजे तो बंदा हॉस्पिटल पहुँच जाए ना। यार ऐसी चीज़ें लाइफ में ना सोचनी नहीं है, और इस तरह की चीज़ों से घिननी बहुत आती है। सट्टे सुट्टे तो अलग लगनी, लेकिन बहुत घिन आती है। तो ये हम शॉर्टकट से आने की कोशिश कर रहे थे, और सामने ही बिल्डिंग आ गई। फिर हमने सोचा कि हम इतने साल से बेवकूफ़ थे जो इतना लंबा 15-20 मिनट का रास्ता तय करते थे, और जब से ये 7-8 मिनट में जी छोटा सा रास्ता निकल आया है। बेवकूफ़ तो हम थे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तो मौसम बहुत सुहाना था, वाटरप्रूफ कपड़े में पा के कोई नहीं आई सी, लेकिन ना अपनी तरफ से बड़ी टोड़े शोड़े निकालनी थी। लेकिन मौसम ने इंतहा कर दी थी, इतना खूबसूरत, ऊपर ग्रे कलर के बादल, अंदर जहाज़ उधर उड़ते फिरते हैं, बस ना चस्सी आ गई। मैं तो बहुत इंजॉय करती जा रही थी। मैंने कहा यार क्या ही हो इंसान की ज़िंदगी के, इंसान इधर ही रह ले बस। लेकिन इस तरह की जगह ना थोड़े अरसे के लिए प्यारी लगती हैं, बाद में इंसान को मौत पड़ने लग पड़ती है। घर याद आता है, मुझे घर जाना है, सच्ची मुझे घर जाना। तो जी फाइनली हम पहुंच गए यूनिवर्सिटी जाके मैंने अपना वाईफाई ऑन करवाया, मोबाइल का स्टूडेंट वाईफाई। और उसके बाद जनाब साहब मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनानी शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ पर हर जगह कद्दू ही कद्दू पड़े हुए थे। हेलोइन आने वाली है ना, तो आखिर उसको इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना। हेलोइन सर पे आ गई है, तो हर जगह यहाँ पर आपको इस तरह के जिन भूत, करेले, कबूतर, हर चीज़ इस तरह की चीज़ें मिलनी है आपको, हर जगह कद्दू रखे हुए। पता नहीं इसका क्या मकसद है, लेकिन जो भी है मज़ा तो बहुत आता है। मुझे तो ये त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। एज अ मुस्लिम मेरे लिए शायद ये वैल्यूएबल ना हो, लेकिन मुझे वैसे फ़नी है, थोड़ा सा फंकी से। तो मैं जा रही थी यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास की तरफ, तो हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था, और मेरी कैमरा स्किल्स ज़ीरो, बल्कि ज़ीरो से भी -50-60 कह लो। मैंने कहा था कहीं और रास्ते में इस तरह की चीज़ें ना कोई नज़र आ जाएँ तो मैं वो भी वीडियो बना लूँ, लेकिन मैं जा रही थी बस, जाई जा रही थी। तो हमारी यूनिवर्सिटी में बेसिकली बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, और हर तरह का फ़ूड मिल जाता है। हलाल फ़ूड लेना हो हलाल मिल जाता है, हराम तो माशाल्लाह मिल ही जाता है। तो आपको हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। ये हेरियट-वाट के छोटे छोटे उन्होंने टेडीज रखे हुए थे, बहुत क्यूट थे। तो ये हमारी बेसिकली लॉबी है। यहाँ पर इर्द गिर्द इतना प्यारा व्यू आता है। कद्दू जी, हेलो कद्दू जी। तो जी इस जगह के राइट साइड पे भी बहुत प्यारा व्यू और लेफ़्ट साइड पे भी। बेसिकली ये रिसर्च पार्क का एरिया जो है ना, इंतहाई खूबसूरत है। ऐसा लगता है इंसान नथिया गली में फिर रहा है, लेकिन थोड़ी सी फैसिलिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से बहुत ही मज़ा आता है। तो एक साइड पे इसके लेक है। लेक ये यहाँ से तो थोड़ी नज़र आ रही है, तो मैं ट्राई करूँगी कि आफ्टर क्लास अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं बाकी की भी लेक की वीडियो बनाऊँ, और वो मैंने बना ली थी। तो ये हम अपनी क्लास की तरफ रवाना हुआ हैं। तो वहाँ पर जेम्स वाट का आखिरी बिल्डिंग जो सी, मतलब आप कह लो कि फ्रंट बिल्डिंग जो सी वो जेम्स वाट की है। हर जगह कद्दू, बंदा पूछे तुसी पका के खा लो कि उन्होंने बहुत। तो क्लास के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी का फुल एक टूर ही दे दूँ। फुल तो नहीं मैं दे सकती, 2-3 पार्ट्स इसको मुझे बनाने पड़ेंगे। तो जी ऐसी मीच पिछते पिछते बाहर गए हैं जी शोखी मारन ली, इसकी मेन एंट्रेंस की वीडियो बनाने के लिए। वो चाचा जेम्स वाट बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आके बच्चे मनते शनते मानते हैं यूनिवर्सिटी में। ये बहुत पहुँचे हुए बाबा जी थे, इस वजह से इनका दरबार या छोटा सा बनाया हुआ है। जेम्स वाट का आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो काइंडली जाके गूगल कर लें, क्योंकि इतनी लंबी हिस्ट्री अगर मैंने इस वीडियो में डाल दी तो जी ख़त्म हो जाएगा। तो ये जेम्स वाट पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके समझाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये मैंने क्या किया, मैंने सारे बीच में काट दी। अच्छा जी, ये हमारे जंगल वाला व्यू है। ये मैं ऊपर कैफ़े में आ गई थी। इस कैफ़े से हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। तुसी ऊपर बेकरी है और एक कैफ़े का एरिया ये है। यहाँ पर 3-4 पोर्शंस में उन्होंने हर तरह के फूड रखे हुए हैं। हलाल फूड है, फिर वेजिटेरियन का है और ब्ला ब्ला। तो मैंने अपने लिए ये पसंद किया जी, एक चिकन बॉक्स लिया जिसमें फ्राइज़, नगेट्स और तीसरे नंबर पर थे हमारे पास चिकन फिलेट। ये खाने के बाद हम लोग और आगे भी, ये दूसरा कैफ़े है। यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी थी कि पहले मैं वीडियो बनाने लगी, जब मैंने देखा कि सारे स्टूडेंट्स मुझे मुड़ के देख लें तो मैं भाग गई। ये तीसरा कैफ़े था, और इस कैफ़े से मैं बेसिकली इस रास्ते से आती हूँ। तो सामने वाली साइड पे लेक थी, फिर मैंने सोचा आप लोगों को लेक भी दिखा दूँ। फिर बाकी यूनिवर्सिटी रह जानी थी, तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ थी। मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ से दिखाऊँ। ये लेक्चर थिएटर्स हैं हमारे, 1, 2, 3, 4 ऊपर है, फिर आगे दूसरी बिल्डिंग्स शुरू हो जाती हैं। तो मैं यहाँ से शायद बाहर निकलूँगी, लेकिन बारिश हो रही थी, दिल भी नहीं कर रहा था, और खूबसूरती इतनी थी कि देखने के बस होती कि भाग जाओ। ये बाजी डूब के मरने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़े अरसे से यहीं देखी जा रही है कि पानी ज़्यादा गहरा है, मैं मरूँगी कि नहीं। ये कपल अपनी आपस में बातें कर रहा था, तो मेरा दिल ये कर रहा था कि इनके रंग में जाकर भंग डाल दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा यार नहीं, ये पाकिस्तान वाली हरकतें ना ही करूँ। ये ना हो कि हमें पुलिस पकड़ के ले जाए तो फिर हमारा क्या बनना है, हमारा वीज़ा कैंसिल हो जाना। कितना मैं आगे का सोचती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, ओवर थिंकिंग भी ना मेरे ऊपर एंड है। तो ये हम जा रहे थे नीमी हो के बारिश के अंदर आपको लेक दिखाने। आपा तो बहुत बारी वेखी है, लेकिन ना बस थानू भी तो कहानी है ना। अच्छा, मेरी ना बड़ी हसरत थी कि जब मैं यहाँ पर आऊँ ना, मैं कॉफ़ी का कप पकड़ूँ तो मैं बैठ के ना लेक के किनारे बैठ के पीऊँ, बैठ के ना लेक, पता नहीं मैं क्या बोलती रहती हूँ। मेरी ना कोई स्पीच थेरेपी होने की ज़रूरत है। लेकिन मसला यहाँ पर यह पड़ा कि यहाँ पर सीगल्स बहुत हैं। सीगल्स आपको पता है, कोई कबूतर तो कहाँ का मिक्सचर जिया होता है, तो वो इतना ज़्यादा और इंतहाई किस्म के चोर होते हैं कि वो आपका आके खाना छीन के ले जाते हैं। पहले तो मैं सीगल से डरी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैंने फिर भी कुछ ना यहाँ पर इंजॉय करना है। बंदे का व्यूज़ देखने का बहुत दिल करता है। इंतहा खूबसूरत जगह पे तो आप आए हो तो यार पैसा वसूल तो हो। लेकिन बाद में पता लगा ये गीज़ जो उनसे, ये उनसे भी ख़तरनाक किस्म की चीज़ें। मैं और मेरी फ्रेंड जब फर्स्ट डे आए थे तो हम लोग लेक के किनारे बैठे हुए थे। हमने कहा यार कितना मज़ा आ रहा है, ये वो उधर से गीज़ निकले हैं। वहाँ पर एक प्यारी सी खूबसूरत सी नाजुक सी लड़की बैठी हुई थी, गोरे गोरी चिटी चिटी, उसके पीछे वो पड़ गए। और तब से मेरे दिल में ना एक खदत खौफ बैठ गया कि यार इन बतखों से बच के, क्योंकि यहाँ की जो से बतखें हैं ना, ये आपको ले डूबती हैं। तो लेक थोड़ी थोड़ी नज़र आने शुरू हो गई थी और हम रवां तवां थे। ये पता नहीं उन्होंने खैमा सा क्या लगाया हुआ है, पता नहीं की करते रहते कमले जे। और वहाँ पर वो खैमे के नीचे भी ना ये एक जो से गीज़ है ना, ये बस बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे तो यहाँ पर ना डर लगता है, मेरे बच्चों ने पीछे वीडियोस वगैरह चलाई होती हैं, वॉइस रिकॉर्ड करते हुए भी ना डर लगता है यार कोई ट्रैक स्ट्रोक ना आ जाए। किसी को। माई लेके आई है बच्चों के साथ, ब्रेड फ्रेड डाल देना तो उसको पड़ गए हैं। खाना रखते भी डाला है, पापा खा लेते हैं। डकी डकी तुम्हें किसी ने बुलाया? डकी भाई की बहन बारिश हो रही है और चिल तो हमने सोचा कि हम वापस ही चल जाए। बारिश में भीग के बीमार होने से बेहतर है कि इंसान टाइम पे ही अपने घर पहुंचे, क्योंकि मुझे एंजाइटी भी बहुत होती है। मुझे बस हर टाइम टेंशन होती है, यार मेरे बच्चे पता नहीं अकेले घर में क्या कर रहे होंगे, उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, मेरे हस्बैंड ने खाना खाया कि नहीं खाया, वो ठीक हैं या नहीं है। तो मुझे ना यहाँ की चीज़ें फिर थोड़ी सी तंग करने रख पड़ी थी। तो दैट्स वाई फिर मैंने घर की तरफ दौड़ लगाई और आप लोगों को बाकी व्यूज़ में दिखाती जाती हूँ। एंजॉय करो। जाते जाते मुझे एक वाकया याद आया, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूं। ये हमारी यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है, इसको रिसर्च पार्क कहते हैं। तो इस रिसर्च पार्क से होते हुए ना मैं अपनी बस स्टॉप तक जाती होती थी। तो सर्दियों में यहाँ पर रात बहुत जल्दी हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली 4:35 के राउंड अबाउट। तो उस रात मेरी जो क्लास हुई ख़त्म, वो हुई थी तकरीबन 5 o'clock। प्रेजेंटेशन थी, लेट हो गए थोड़ा सा। जब प्रेजेंटेशन देने के बाद मैं वापस जा रही थी तो मेरे दिल में ऐसे ही ना बस अजीब अजीब ख्याल आते हैं। इधर लाइट्स वगैरह हैं लेकिन ना आपको पता है जंगल का एरिया है, इंसान अजीब अजीब ख्याल तो आते ही हैं। जब मैं जा रही थी तो लाइट्स तो ऑन थी, लेकिन मैं बस यही उम्मीद रख रही थी, मतलब लाइट्स अभी ऑन होने वाली थी, कुछ ऑन थी ऐसे करके सीन था। तो मैं बस ये दुआ कर रही थी कि यार कैसी ख़तरनाक जगह, आयतुल कुर्सी में पढ़ रही हूँ। अजीब अजीब से वहम आने लग पड़ते दिल में। जंगल के अंदर ना कोई गुजरे भी ना पत्तों के ऊपर से तो इंसान को डर रहा था कि यार पता नहीं क्या चीज़ आ गई, कोई गिलहरी हो, कोई चिड़िया हो, बस उनसे भी डर आ रहा होता है। तो मैं ऐसे एक दिन गुजरते गुजरते ना बस मेरे जहन में ना अजीब अजीब से वहम आने लग पड़े। मैंने उल्टी उल्टी सोचने लग पड़ी, यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। फिर अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया कि यार कोई बात नहीं, अल्लाह तो है ना, अल्लाह ताला तो इनका भी है, हमारा भी है। तो मैं ऐसे बस इर्द गिर्द गौर करती जा रही हूँ अपने ध्यान से आयतुल कुर्सी पढ़ती कि अचानक से ना मेरे राइट साइड पे ना अचानक एक चीज़ नज़र आई, कोई मुझे ना हिलती हुई। मैंने इग्नोर किया, मैंने ये सोचा कि यार कोई ना होगी, गुलहरी शलहरी होगी। आम रूटीन में ना इधर सिक्योरिटी भी फिरती रहती है, कोई ना कोई बंदा वॉक करता भी फिरता रहता है, मतलब कुछ ना कुछ दिख जाता है। वो ऐसा कोई मनहूस दिन था ना, उस दिन कुछ मुझे नज़र आए। अंधेरा हो ही जा रहा है, बस की टेंशन अलहदा मुझे लगी कि अगर मिस होगी तो मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ना है। ऊपर से मुझे जंगल से खौफ आए, ऊपर से बस अजीब सा मौसम हुआ था, सर्दी थी आई थिंक, सो बर्फ़बारी हो रही थी और खौफ इतना, आवाज़ें अजीब अजीब सी जंगल से आ रही थी। तो मुझे और ज़्यादा डर लगी जाए, वो अल्लाह की करनी है ऐसी कि ना फिर मुझे वो ना जंगल वाली साइड से आवाज़ आई एक, जैसे कोई काफ़ी सारी ना हैवी किस्म की, मतलब गुलहरी की तो हल्की फुल्की होती है ना, हैवी किस्म की कोई आवाज़ आई। अब मैं और डरी जाऊँ। अचानक से ना दरख्तों के पीछे से ना कोई ब्राउन सी चीज़ घूमी है, और ब्राउन वो चीज़ ऐसी थी कि काफ़ी बड़ा साइज लग रहा था। मुझे लगा कि कोई रीछ आ गया, और भाई साहब आज तो तू गई, आज तो घर नहीं पहुंची अपने बच्चों के पास, आज तो रीछ क्या तो मर गई। लेकिन मैंने हौसला किया, मैंने अपने आप को फिर कहा नहीं यार तू वहमी है, तो बस ऐसे ऐसे ना हौसला देते, बस यही सोचना होता है कि अपने आप को ही समझाना होता है। मैं फिर आगे गुजरती गई। फिर जंगल से ना आवाज़ वैसी आई और मैं ना हौसला करके पास से देखा तो पीछे बाढ़ लगी हुई थी और अंदर हिरन फेंकते थे। और मेरे कसम से सांस में सांस आया। शुक्र अल्लाह के वो हिरन ही थे जो इंसानों से भी डरते हैं। अगर रीच होता ना तो आपकी बहन ने आज ये वीडियो नहीं बना रहे होना था। तो ये व्यूज़ आपके सामने ये इंतहाई खूबसूरत और बस स्टॉप मेरा आने वाला था। मैंने सोचा यार यहाँ पे बना। तो जनाब साहब पीछे सारा ये वाला वही एरिया है जो मैं आपको बता रही थी जिसकी कारस्तानियाँ ये रिसर्च पार्क की है। और यहाँ पर सारे जानवर आपको तरह तरह के मिल जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर सिक्योरिटी जा रही होती है। तो ये खाना मैं घर लेके जा रही थी, थोड़ा सा बच गया था। मैंने कहा यार चलो मिल के बच्चों के साथ खाएंगे। नगेट्स वाला बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और बिलाल को वो फ्लेट बहुत पसंद होता है, तो मैंने फ्लेट भी रख लिया था। मैंने कहा चलो मिल के खाएंगे, लेकिन वो सारा का सारा पेज गया था मई के अंदर। और पाँव ऐसे थे मेरे बुरी हालत, बारिश की वजह से सारे मेरे शूज़ गीले और अंदर तक सॉक्स गीली हुई थी। बस ना बस दुआ कर रही थी कि यार जल्दी जल्दी घर पहुँच जाऊँ। और ये हॉन्टेड हाउस रास्ते में ऐसे आ गया था। यहाँ ये वो वाली जगह थी जहाँ पर मैंने हिरन देखे थे और बिल्कुल इसके ऑपोजिट, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे वो हॉन्टेड हाउस था। पता नहीं मुझे ऐसे लगता है ये हॉन्टेड है क्योंकि अभी तक ये बंद ही पड़ा, कभी ज़िंदगी मैंने इसको खुला नहीं देखा। तो हम ऐसे बस स्टॉप पे पहुँच गए थे जहाँ पर बस कभी टाइम पे नहीं आई। और आपकी बहन अपने घर की तरफ रवां दवां। प्रोग्राम का बकिया हिस्सा एक ब्रेक के बाद।